हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। देखिए, एक नया रिक्रूटमेंट आया है DFCCIL में, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। टोटल 1572 वैकेंसीज आई हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए आई हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव आया है, MTS आया है यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। सो टोटल वैकेंसीज आई हैं 1572। DFCCIL यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन रेलवेज़ के अंडर आता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो जो एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 को आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 31st of August 2018 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 31 अगस्त 2018। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिकॉज मैं अपने जो भी वीडियोज़ होते हैं मेरे, पहली चीज़ तो ये आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, उसके बाद कमेंट करते हैं निगेटिव मार्किंग है, बीटेक एलिजिबल है, बीएससी एलिजिबल है कि नहीं है। वीडियो पूरा देख लीजिए, मैं एक एक चीज़ बताता हूँ, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। वीडियो पूरा देखा करिए, उसके बाद कमेंट किया करिए। वीडियो देखते नहीं, पहले ही कमेंट कर देते हैं निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, जबकि सब वीडियो में, सारे वीडियोज़ में एक एक चीज़ डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए आपसे बोलूँगा वीडियो पूरा देख लीजिए, बिकॉज सब कुछ A to Z एक एक चीज़ इसमें आपसे डिस्कस करूँगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी फ़ीस है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है। टोटल वैकेंसीज आई हैं 1572। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आई हैं 327 वैकेंसीज टोटल, 327। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आई हैं 349 पोस्ट, और MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आई हैं 896 पोस्ट। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन के साथ में प्लस आपका 1 साल का ITI होना चाहिए और इसमें 2 ईयर्स का ITI होना चाहिए। अभी क्या है, अभी पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ ऐसे ही आपको बता रहे हैं, अभी ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस कर लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा डिस्कस करेंगे। एज इसमें देखिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 से 30 साल होनी चाहिए, MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी और OBC के लिए 900 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, 900 रुपीज़। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपीज़ फ़ीस है, UR यानी कि जनरल कैटेगरी और OBC कैंडिडेट्स के लिए 700। MTS में 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड, PHM, ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन, इनके सब के लिए कोई फ़ीस नहीं है, निल है, 0 रुपीज़। पेमेंट ऑनलाइन होगा। वैकेंसीज़ आपको बता दी है, एज का क्राइटेरिया बता दिया है, फ़ीस बता दी है। टोटल वैकेंसीज़ हैं 1572। 1 अगस्त 2018 से ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक स्टार्ट होगा, लास्ट डेट 31 अगस्त 2018 है, और जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन पेपर होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में, 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में ये आपका एग्ज़ाम होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन अगर आपको DFCCIL की वेबसाइट पर नहीं मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की वेबसाइट है, employmentnews.gov.in, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, डेट आपको दी गई है 1 अगस्त, ऑनलाइन स्टार्ट, जो हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त को, लास्ट डेट 31 अगस्त, एग्जामिनेशन की डेट है 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर। अब देखिए, जो पोस्ट आई है हमारी, एग्जीक्यूटिव सिविल आई है, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर। 18 से 30 साल एज लिमिट, एग्जीक्यूटिव में सभी में जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। इसमें जो है, जो हमारा एग्जीक्यूटिव सिविल का है, टोटल पोस्ट है हमारी इसमें 82, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल टोटल पोस्ट 39,
Executive Signal and Telecommunication, total post 97. Executive Operating Station Master and Controller, total post 34. अब देखिए यहाँ पर जो पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल, क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा 3 ईयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब कि 3 साल का डिप्लोमा है तो तीनों साल का एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए 60%। सब में यही क्राइटेरिया है, एग्रीगेट 60%। अब देखिए इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, डिप्लोमा 3 ईयर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। सारी एक एक चीज़ यहाँ पर मेंशन है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। इसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये वाली पोस्ट, पोस्ट कोड है 33। डिप्लोमा 3 ईयर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर टीवी इंजीनियरिंग फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विथ नॉट लेस देन 60% एग्रीगेट। लास्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। इसमें क्या मांगा आपका, ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60%, 60% मार्क्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अभी देख लीजिए, और उसके अलावा लिखा हुआ है कैंडिडेट्स अपियरिंग ऑब्लिक और अवेटिंग रिजल्ट्स ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है या आने वाला है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर अपियरिंग है वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नोट में पढ़िए, यहाँ लिखा गया है द कैंडिडेट शुड पजेसेस फुल टाइम डिग्री अप्रूव्ड बाई UGC AICTE फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाई एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर इन इंडिया। इसके बाद है द इंस्टीट्यूट अवॉर्डिंग डिग्री डिप्लोमा मस्ट बी रिकॉग्नाइज आइदर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट और AICTE और टेक्निकल बोर्ड्स ऑब्लिक यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश बाई सेंट्रल स्टेट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद द डिग्री होल्डर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन एज मेंशन्ड अबव। और ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बोला गया है द डिग्री होल्डर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन एज मेंशन्ड अबव आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब है जिनके पास डिग्री है इसी स्ट्रीम में वो लोग भी एलिजिबल हैं। ये तो डिप्लोमा का था जो अभी मैं बात कर रहा था, लेकिन थर्ड पॉइंट यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं द डिग्री होल्डर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स इन स्पेसिफाइड डिसिप्लिन एज मेंशन्ड अबव आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए बीटेक भी एलिजिबल हैं, बीटेक स्टूडेंट्स भी डिग्री होल्डर भी एलिजिबल हैं। ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत से लोग बता रहे होंगे बीटेक स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीटेक स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर 3 पर लिखा हुआ है डिग्री होल्डर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। 60% अगर आपके मार्क्स हैं बीटेक वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो बीटेक वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, ज़रूर अप्लाई करिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एसएनटी है आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि ये थर्ड नंबर। इस पोस्ट के लिए बोला गया है बीसीए एंड एमसीए वुड बी कंसीडर्ड एज हायर डिग्री टू डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए और एमसीए भी इसके लिए कंसीडर्ड किए जा सकते हैं, यानी कि बीसीए एंड एमसीए
थर्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब आता है हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव का। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट कोड 41, टोटल वैकेंसीज टोटल पोस्ट 239, एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल, ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या बोला गया है, मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, मतलब कि मैट्रिकुलेशन यानी कि टेंथ में आपको 60% मार्क्स चाहिए। इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ऑब्लिक ITI अप्रूव्ड बाई SCVT NCVT, यानी कि पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, ITI होना चाहिए 2 साल का, 10वीं पास 60% से प्लस ITI 2 साल का, वही एलिजिबल हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ये भी सेम वही क्राइटेरिया है, मैट्रिकुलेशन 60%, इसके अलावा 2 साल का अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए और ITI होना चाहिए उसी ट्रेड में जिसमें मांगा गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ किस ट्रेड में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब कि जो आपका डिप्लोमा है उसमें भी आपको ITI है, 60% एग्रीगेट चाहिए, इसमें भी 60% एग्रीगेट चाहिए। आगे बात कर लेते हैं और वैकेंसीज देख लेते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ITI अप्रूव्ड बाय NCVT इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन TV रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कम्युनिकेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्किंग डेटा नेटवर्किंग विद नॉट लेस देन 60%, यानी कि जो आप ITI होगा आपका जो 2 साल का उसमें भी 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, और जो 10वीं पास है 10वीं में भी आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। 10वीं में अगर 59.8 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। 18 से 30 साल एज है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब बात करते हैं MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखिए ये जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल ये वाला है थर्ड पोस्ट, इसमें आपकी वैकेंसी है 42। अब बात करते हैं MTS की। पहला MTS है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रेड है सिविल ऑब्लिक ट्रैकमैन। अब इसमें देखिए आपकी टोटल पोस्ट है 451। दूसरा है इलेक्ट्रिकल ऑब्लिक हेल्पर, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 37। इसमें 451 ट्रैकमैन सिविल इलेक्ट्रिकल हेल्पर 37, SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हेल्पर, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 06, यानी कि सिर्फ 6 पोस्ट हैं। MTS ऑपरेटिंग पॉइंट्समैन ऑब्लिक गेट्समैन, इसमें आपकी टोटल पोस्ट हैं 402। और इन चारों के लिए एक ही क्राइटेरिया है, पहली चीज़ तो ये है 18 से 33 साल एज होनी चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, फॉलोड बाय PET। MTS के लिए ध्यान रखिएगा PET भी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा करिए भैया, सब कुछ दिया होता है नोटिफिकेशन में, बाकी किसी में नहीं दिया गया है फॉलोड बाय PET, सिर्फ MTS में दिया गया। इसका मतलब MTS में ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब देखिए क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, ITI होना चाहिए, अप्रूव्ड बाय NCVT, नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, मैट्रिकुलेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि कितना होना चाहिए, 60% 50% कुछ नहीं दिया है, बस आप 10वीं पास होना चाहिए, सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए, परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, 60 होना चाहिए 50 होना चाहिए कुछ नहीं दिया। अगर आपका 50% 52% है और आप कंडीशंस को इसको आपके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं मतलब फॉलो करती है, आप एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें मैट्रिकुलेशन में 60% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 10वीं में 60% होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आपका ITI होगा अप्रेंटिसशिप होगी उसके लिए आपका 60% एग्रीगेट होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 60% एग्रीगेट होना चाहिए। अब चलिए आगे इसकी बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल है, ठीक है पता है, एग्जीक्यूटिव में इतनी पोस्ट हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव में ये है, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर्स अब देख लीजिए कहाँ कहाँ हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता,
Bengaluru, Hyderabad, Nagpur, Bhopal and Chandigarh/Mohali depending upon the response received for each center. So, itne center hain: Patna, Ahmedabad, Guwahati, Varanasi, Bhubaneswar, Chennai, Delhi, Jaipur, Lucknow, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, Nagpur, Bhopal aur Chandigarh ya Mohali. अब आ जाइए आगे बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. देखिए पहली पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव, पहले उसके लिए बात कर लेते हैं. जो भी पेपर होंगे, एग्जीक्यूटिव हो गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, एमटीएस हो गया, सब 2 घंटे के पेपर होंगे, 2 आवर्स, 2 घंटे के. 120 क्वेश्चन आएंगे सभी में, 120 क्वेश्चन आएंगे. अब पहले बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, सॉरी एग्जीक्यूटिव की. एग्जीक्यूटिव में आपके 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है. 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का होगा, जिसमें से 96 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टेक्निकल होंगे, आपकी ब्रांच से, आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड. ध्यान रखिएगा 96 आपकी ब्रांच से रिलेटेड होंगे, 12 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे और 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे. तो ये कितने हो गए आपके, 12, 12, 24, 24 और 96, 120 क्वेश्चन हो गए. 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करने होंगे. 96 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, 12 जीके, 12 रीजनिंग. किसकी बात कर रहे हैं ये, अभी एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है. 96 टेक्निकल, 12 जीके, 12 रीजनिंग. अब आगे आ जाइए, अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव. जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे. और देखिए क्या क्या होगा, जीके, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी या मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और टेक्निकल एबिलिटी. मतलब कि कितने हैं ये, 5. इसका मतलब है हर एक सेक्शन के 24 क्वेश्चन होंगे, 24, 24, 24, 24 और ये 24. ये कितने होगा टोटल, 120. 5 सब्जेक्ट कौन कौन से, जीके, मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल साइंस और टेक्निकल. सारे आएंगे 24, 24, 24 क्वेश्चन. टोटल हो गया आपका 120 क्वेश्चन और आपको मिलेगा इसके लिए 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे. ये बात हो गई आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की. अब बात करते हैं एमटीएस की. एमटीएस में देखिए क्या है, द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, एम टू सक्सेस, जनरल नॉलेज अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग. क्वेश्चन पेपर विल हैव 120 क्वेश्चंस. देखिए MTS का जो पेपर होगा इसमें आपका क्या होगा, GK, मैथ्स और रीजनिंग, बस ये 3 सेक्शन है MTS में, सिर्फ ये 3 है, GK, मैथ्स और रीजनिंग. यहाँ पर लिखा गया है, पढ़ देता हूँ एक बार, द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर विद एम टू एसेस जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एटसेट्रा. एटसेट्रा लगा हुआ है, मतलब कि अब वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं या नहीं भी करेंगे. क्वेश्चन पेपर विल हैव 120 क्वेश्चंस देयर, ठीक है. अब देखिए इसमें जो आपका एमटीएस का एग्जाम है, इसमें लिखा गया है देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है. मतलब कि सारे में है ये, ध्यान रखिएगा. देखिए बता चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव के लिए आपको बताया है 96 क्वेश्चन टेक्निकल, 12 जीके, 12 रीजनिंग. टोटल होगा 120 मिनट में 120. एग्जीक्यूटिव, सॉरी जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये जो ऊपर वाला है ये किसके लिए है, ये एग्जीक्यूटिव के लिए है. और ये नीचे जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और टेक्निकल. सारे क्वेश्चन मिला के होगा 120 मिनट में. एमटीएस जीके, मैथ्स, रीजनिंग 120, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 जीके होगा, 40 मैथ्स होगा, 40 रीजनिंग. 120 क्वेश्चन 120 मिनट में. और तीनों ही सेक्शन में, तीनों ही पोस्ट के लिए निगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स. क्या है, निगेटिव मार्किंग है हर एक सेक्शन के लिए. इसके बाद देखिए क्या है, निगेटिव मार्किंग हो गई. अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. द सिलेक्शन विल बी मेड एज पर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू मेरिट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन रूल्स. सिर्फ इतना लिखा गया है, इसका मतलब इंटरव्यू नहीं है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है. रिटर्न क्वालिफाई, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन. जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी सेम यही क्राइटेरिया है, सिंगल स्टेज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर वेरिफिकेशन विल बी मेड. हाँ जी, इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है, रिटर्न टेस्ट. रिटर्न टेस्ट के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू नहीं.
MTS, रिटन टेस्ट प्लस PET, रिटन टेस्ट यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्लस PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जब ये आप क्वालिफाई करेंगे इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये है इसका पूरा क्राइटेरिया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए वो आप देख सकते हैं क्या क्या है, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 2 मिनट में 100 मीटर की रेस होगी, उसमें 35 kg वेट आपको लेकर दौड़ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स 15 सेकंड्स। और सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर वाले में भी लिखा हुआ है वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। वेट जो आपको मिलेगा 35 kg का, वो जो लेके आपको कैरी करके आपको रेस करनी होगी वो आप नीचे नहीं रख सकते, सिर्फ एक चांस मिलेगा, नीचे गया तो आपका बस काम ख़त्म। ऐसे ही 4 मिनट्स 15 सेकंड्स में आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का रेस होगा, एक ही चांस मिलेगा। अब इधर फीमेल कैंडिडेट आ जाते हैं, इनके लिए वेट है 20 kg, 100 मीटर इनको दौड़ना है 2 मिनट में, वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, एक चांस मिलेगा, वेट जो आप कैरी करके जाएंगे 20 kg उसको नीचे एक सेकंड के लिए भी नहीं रखना है, एक सेकंड रखा सो रिजेक्ट। नेक्स्ट शुड बी एबल टू रन एट अ डिस्टेंस ऑफ, इनको एक 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में, और मेल कैंडिडेट्स को दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करना है, फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट 40 सेकंड में। ये है पूरा क्राइटेरिया। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसको फिल कर दीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स विच कैन बी, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको दिए गए हैं इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर www.indianrailways.gov.in। मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज डिटेल्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 विच कैन बी एक्सेस्ड एट indianrailways.gov.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या है। इसके अलावा जो आपको फॉर्म फिल करना होगा उसकी एक एक चीज़ यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ, देखिए एक चीज़ और है, अच्छा ये बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैंडिडेट्स डिजायर ऑफ अप्लाइंग, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बोला गया है फर्दर दे शुड हैव सेपरेट ईमेल आईडी फॉर ईच सेपरेट पोस्ट दे आर अप्लाइंग फॉर। अगर एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपका ईमेल आईडी अलग होना चाहिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ईमेल आईडी अलग होना चाहिए, मतलब कि अलग अलग ईमेल आईडी से आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। बस भैया इतना ही है। तो ये है पूरा हमारा इसका क्राइटेरिया। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है DFCCIL.gov.in, यहाँ पर करियर सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो ये है पूरा क्राइटेरिया। मुझे लगता है वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज हम एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी आपको गलत सलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।